नमस्कार, मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं धे टीवी। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, नाम सुना है आपने? नहीं, चलिए हम बताते हैं। दरअसल केपलर नासा का एक टेलीस्कोप था जिसे 2009 में एक्सोप्लैनेट यानी बाह्य ग्रह की खोज के लिए लॉन्च किया गया था। इसने अपने मिशन के दौरान 2600 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज की, लेकिन साल 2018 में इसके मिशन की समाप्ति हो गई। इसी तरह कैसिनी यूजेन्स स्पेसक्राफ्ट नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा का जॉइंट मिशन था। इसे 1997 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने शनि के बारे में कई अद्भुत जानकारियां शेयर की थी। इस मिशन का भी अंत 2017 में हो गया। इन दोनों प्रोजेक्ट के खत्म होने का कारण एक ही था, फ्यूल यानी कि ईंधन की कमी। ऐसे कई मिशन आपको खोजने पर मिल जाएंगे जो लंबे समय तक काम कर सकते थे, लेकिन उनसे जुड़े स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल खत्म हो गया। खैर, अब इस टेक्नोलॉजिकल एरा में इस समस्या का समाधान भी खोज लिया गया है, यानी अब अंतरिक्ष में भी धरती जैसा रीफिलिंग स्टेशन खुलेगा। आसान भाषा में कहें तो धरती के पेट्रोल पंप जैसा स्पेस में भी गैस स्टेशन बनाया जाएगा। इस सुविधा का ऐलान किया है अमेरिकी स्टार्टअप कंपनी ऑर्बिट फैब ने। ऑर्बिट फैब की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वह 2025 तक इस स्टेशन को बनाने के लिए प्रयासरत है। दरअसल पिछले वर्ष से ऑर्बिट फैब इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है। कंपनी के सीईओ डैनियल फेबर के मुताबिक अंतरिक्ष में सैटेलाइट जैसा गैस स्टेशन यानी फ्यूल टैंकर सैटेलाइट स्पेस में भेजा जाएगा। इसी टैंकर सैटेलाइट से जुड़कर अन्य सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट ईंधन ले सकेंगे। ऑर्बिट फैब ने इस रीफ्यूलिंग स्टेशन का नाम रखा है तेंजिंग टैंकर 001। इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप टैंकर तेंजिंग टैंकर 001 स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 2 के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था। तेंजिंग टैंकर 001 का आकार माइक्रोवेव जैसा है। इसे लॉन्च करने का पर्पस ये जानना था कि क्या टैंकर से सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट फ्यूल ले भी पाएंगे या नहीं। इस तरह के स्टेशन के फायदे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस तरह के विजन की जरूरत क्यों पड़ी होगी। एनजीओ यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट के मुताबिक अभी 4000 से अधिक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूम रहे हैं। अनुमान बता रहे हैं कि इस दशक के अंत तक ये संख्या 1,00,000 तक पहुंचने की उम्मीद है। ये सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, रिसर्च, नेविगेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। अगर ये संख्या सच में इतनी पहुंच जाती है तो जाहिर है कि सैटेलाइट में टकराव होगा, इसलिए इस संख्या को कम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ज़रूरी शर्त है कि नए सैटेलाइट कम लॉन्च किए जाएं, और ऐसा तब संभव होगा जब पुराने सैटेलाइट लंबे समय तक काम कर सकेंगे। दूसरी समस्या है स्पेस में बढ़ता कचरा, इसे भी कम करने की ज़रूरत है। अब इस तरह के रीफिलिंग स्टेशन से न केवल सैटेलाइट के काम करने की अवधि बढ़ेगी, बल्कि बेकार होकर अंतरिक्ष कचरे में बदल जाने वाले सैटेलाइट में भी कमी आएगी। इसके अलावा नए सैटेलाइट को लॉन्च करने में होने वाले खर्च की भी कटौती संभव होगी। साथ ही ईंधन भरने से किसी अंतरिक्ष यान या उपग्रह को एक्स्ट्रा पेलोड, टूल्स या सेंसर ले जाने की पावर भी मिलेगी, जिससे इसके बेहतर परफॉर्मेंस का भी लाभ मिल सकेगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।